अहम खबर कैथल से, सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है फर्जी डॉक्यूमेंट साइन करने पर, यह कार्रवाई हुई है और इस मामले में एक्शन लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस मामले में एक्शन पर विभाग को सूचना नहीं दी गई। हरियाणा सरकार के एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने कैथल के सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर वीके शास्त्री को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने अधिकारी के निलंबन को लेकर पत्र जारी कर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा उन्होंने एक मामले में कार्रवाई को लेकर विभाग को कोई सूचना नहीं दी थी। इन दोनों मामलों में विभाग ने उन पर कार्रवाई की है। इस निलंबन के बाद शास्त्री फिलहाल बिना वेतन के कार्य करेंगे। विभाग आगे भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मनोज मलिक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला और किस तरह की अब तक इस मामले में कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कैथल की अगर हम बात करें तो सेल टैक्स के जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और देर रात का जो पत्र ये जारी कर दिया गया था। बता दें कि इनके ऊपर आरोप लगे थे कि जो निलंबित कर दिए गए, आरोप लगे थे कि जो एक दस्तावेज पर थी हस्ताक्षर के जो आरोप थे इनके ऊपर लगे हुए थे। क्योंकि बता दें पूरा मामला जीएसटी और वैट का ये पूरा मामला है, 2012 का ये मामला जिसमें 10,900 कुछ करोड़ रुपए का जो टैक्स था उसकी चोरी की गई थी। लेकिन उसके बाद तीन अधिकारियों के ऊपर गाज भी गिरी थी और तीन के ऊपर तीन सस्पेंड भी कर दिए गए थे। लेकिन इनके द्वारा एक टीम गठित कर दी गई थी जिस टीम में बात करें तो अपने जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी मौके पर मौजूद थे। लेकिन जांच के दौरान काफी साबुतोड़ इन्होंने कार्रवाई की और विभाग हरियाणा सरकार और विभाग द्वारा भी एक आरोप भी लगाया गया कि बिना सरकार को बताए इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, जहां पर इनके खिलाफ एक शिकायत की गई और इनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए गए और सरकार द्वारा इनको निलंबित करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मनोज।